आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। सब्जी विक्रेता की बदमाशों ने गोली मारकर की हत्या, मामला बड़हलगंज थाना क्षेत्र का। एसएसपी ने कहा शव को कब्जे में लेकर भेजा गया है पोस्टमार्टम के लिए, परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर की जा रही है आगे की कार्यवाही। जीआरपी पुलिस ने 6 चोरों को किया गिरफ्तार, चोरी का एक मोबाइल, 95,000 रुपए नकद किया बरामद, एसपी जीआरपी ने किया खुलासा। जुमे की नमाज को सकुशल संपन्न कराने के लिए एसपी सिटी व एडीएम सिटी ने पीएससी जवानों के साथ बक्सीपुर चौकी से पांडेहाता चौकी तक किया फ्लैग मार्च, लोगों को दिलाया सुरक्षा का एहसास। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत उत्तर प्रदेश में मत्स्य विकास एवं तकनीकी परामर्श पर राज्य स्तरीय वेबिनार का किया गया आयोजन। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने कहा मत्स्य उत्पादन को 12 लाख मेट्रिक टन तक ले जाने का है लक्ष्य। मछली पालक 1 जुलाई से 15 जुलाई तक ऑनलाइन अप्लाई करके ले सकते हैं अनुदान का लाभ। नाला और नालियों की सफाई का नगर निगम ड्रोन कैमरे से कर रहा है निगरानी, नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा शासन को पेन ड्राइव के माध्यम से भेजी जा रही है रिकॉर्डिंग, 5 जोन में जोनल अधिकारी और जोनल सैनिटरी अफसर को कैमरा और कैमरामैन कराया गया है उपलब्ध, ताकि जल्द से जल्द पूरा किया जा सके नाला सफाई का कार्य। शुक्रवार को जुमे की नमाज जनपद में कड़ी सुरक्षा के बीच सकुशल हुआ संपन्न, एसएसपी ने कहा जुमे की नमाज को संपन्न कराने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में लगाई गई है पुलिस व पीएससी की ड्यूटी, जिले के सभी थाना अध्यक्ष अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर कर रहे हैं निगरानी। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन व ट्रेनों में आने जाने वाले यात्रियों का सामान व मोबाइल चोरी करने वाले एक अभियुक्त को जीआरपी पुलिस ने किया गिरफ्तार, चोरी का 33 मोबाइल किया बरामद, एसपी जीआरपी ने किया खुलासा। मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में बेलघाट ब्लॉक के ग्राम पंचायत कटिया में लगाया गया परफॉर्मेंस ग्रांट का चौपाल, कहा ग्रामवासियों से किया गया अपील कि कार्य की गुणवत्ता पर स्वयं रखे नजर। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह की अध्यक्षता में व्यापारियों के साथ बैठक हुई संपन्न, व्यापारियों के सुझाव को अमल में लाने तथा उनकी समस्याओं के निस्तारण के दिए निर्देश। इलेक्ट्रिक बसों से नगर निगम ने जनवरी माह से लेकर अब तक 1,57,00,000 रुपए की कमाई, 2 टूरिस्ट बस और 10 अतिरिक्त बसें पहुंची गोरखपुर, नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा इलेक्ट्रिक बसों की कमाई में पूरे यूपी में अपने आप में बनाए एक रिकॉर्ड। और शहर के ऑटो एवं ई रिक्शा चालकों और ट्रैफिक पुलिस के लिए निशुल्क नेत्र जांच शिविर का किया गया आयोजन, एसपी ट्रैफिक ने कहा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया ताकि वह रह सके स्वस्थ और सुरक्षित।